तो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। सो स्टेप बाय स्टेप कुछ वीडियोस बनाएंगे यूरिनरी सिस्टम की। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जी। आपके यूरिनरी सिस्टम को आप डिफाइन कैसे करेंगे, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर आते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स फंक्शंस ऑफ द किडनी। किडनी के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे जी किडनी से। पहले यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ जाएंगे फर्स्ट पे, देन थर्ड वीडियो में वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स और द पार्ट्स ऑफ द किडनी। किडनी के पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद देन हम किडनी की कवरिंग्स को डिस्कस करेंगे, देन एनाटॉमिकल पोजीशंस पे आएंगे जी किडनी एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पर है आपकी। सो फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम जी। हम अपने यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स देखने जा रहे हैं जो ऑलरेडी आपने अपनी बायो की बुक में भी पढ़े हैं। सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक से है जी यूरिनरी सिस्टम की आपकी डेफिनेशन, के जो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली क्या है, आपके बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसका काम क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाना। कहाँ से रिमूव करवाना, ब्लड से रिमूव कराना। डेफिनेटली ब्लड क्या है, वो आपकी बॉडी में। सो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम का काम है वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करवाना फ्रॉम योर बॉडी। सो जी अब हम आ जाते हैं कि आपके इस यूरिनरी सिस्टम की बेसिकली कंपोजिशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी, आपने सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम का नाम सुना, आपके जहन में आ गया जी दिस इज कंपोज्ड ऑफ किडनीज। दो किडनी है आपके बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे जी इसकी लोकेशंस की तरफ आएंगे। एक किडनी ऊपर है एक नीचे है, ये सारी डिस्कशंस करेंगे आगे जाके। फिलहाल जी कंपोनेंट्स क्या है, अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी आ गई। ओके देन यू हैव टू यूरिटर्स। यूरिटर्स क्या चीज है जी, आप यूरिटर्स ये देखें, ये यूरिटर्स आप कह रहे हैं दीज आर द पाइप्स विच आर कनेक्टेड टू द किडनी। अब उसके बाद आपके पास यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। आपके पास किडनीज भी दो हैं, आपके पास यूरिटर भी दो हैं। सो किडनी एंड यूरिटर आर द पेयर्ड कंपोनेंट्स ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। देन अनपेयर्ड कंपोनेंट में आपके पास क्या आ गया है, आपका यूरिनरी ब्लैडर आ गया है। देन यू हैव दिस पाइप, यू हैव दिस डक्ट, दिस इज द यूरिथ्रा। एक यूरिथ्रा आ गया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्फिंक्टर मसल्स। अच्छा अब इनकी भी एनाटॉमी की तरफ आएंगे। स्फिंक्टर मसल्स को यहाँ देख लेंगे, फार्माकोलॉजी में इसको बार बार स्टडी करेंगे स्फिंक्टर मसल्स को, जब आप एएनएस की तरफ भी जाएंगे। सो जी सबसे पहले जी हमने डिस्कस कर लिया जी आपके यूरिनरी सिस्टम की कंपोजिशन, जिसमें यू हैव पेयर्ड में आपके पास किडनीज हैं, यूरिटर्स हैं और दो स्फिंक्टर मसल्स भी आपके पास आ रहे हैं। देन यू हैव द यूरिनरी ब्लैडर, देन यू हैव द यूरिथ्रा जी। अब आपके पास दो किडनीज हैं, जनरल डिस्कशन फिलहाल कर रहे हैं, जिसका काम क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाना। फॉर एग्जांपल ड्रग आई, ड्रग ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, ड्रग की मेटाबॉलिज्म हुई, वेस्ट प्रोडक्ट्स बने आपके ड्रग के, मेटाबोलाइट्स बने, उनको रिमूव करवाना, यूरिया को, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को आपके बॉडी से रिमूव करवाना, आपके ब्लड को क्लियर करना किससे, वेस्ट प्रोडक्ट से। सो एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव कराना विद द हेल्प ऑफ द यूरिन, के यूरिन में आ गया। अदरवाइज आप कौन सी कंडीशंस की तरफ जा सकते हैं, एडिमा की तरफ जा सकते हैं। एक्सेसिव आयंस को रिमूव करवाना, फॉर एग्जांपल सोडियम को रिमूव करवा दिया। सोडियम का लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा, डेफिनेटली यू विल मूव टूवर्ड्स दी हाइपरटेंशन। सो एक पूरे आपके बॉडी को एक सिस्टम में, एक नॉर्मल सिस्टम में मेंटेन करने के लिए किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जी वेस्ट प्रोडक्ट्स को, एक्सेसिव प्रोडक्ट्स को ये आपके बॉडी से रिमूव करवा रही है। देन यू हैव द यूरिटर्स, ये हैं जो आपके पास यूरिटर्स। अब यूरिटर्स क्या हैं, दीज आर द ट्यूब्स, इनका काम क्या है, आपके किडनी से यूरिन को लेकर जाना टूवर्ड्स द ब्लैडर। सो देखें आपकी यूरिटर्स कनेक्शन बना रही है बिटवीन द किडनी एंड द ब्लैडर। देन हम आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। आपने यूरिनरी ब्लैडर की पिक्चर देखी, आपको आइडिया है जिसका काम क्या है कि इसने किडनी से यूरिटर्स के थ्रू यूरिन को रिसीव किया, उसको स्टोर किया। ओके इसको स्टोर कर लिया, कहाँ से रिसीव किया जी, यूरिटर्स, दो यूरिटर है वहां से रिसीव किया। यूरिटर ने कहाँ से लिया जी, किडनी से लिया, और ब्लैडर ने यूरिन को स्टोर कर दिया। देन आपके पास आ जाती है एक और ट्यूब, दिस ट्यूब, इस ट्यूब को हम कह रहे हैं दिस इज द यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा ने क्या किया जी, इसने यूरिन को
कलेक्ट जो के ब्लैडर के अंदर कलेक्टेड था वहां से कंडक्ट किया, वहां से पकड़ के जी इसको कहाँ पे लेगी, आउटसाइड योर बॉडी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेगी। एक्सक्रीशन यही है ना कि एक मटेरियल का, एक प्रोडक्ट का इंटरनल एनवायरनमेंट से मींस आपकी बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक जाना। सो दिस वाज द एक्सक्रीशन। जब भी हम एक्सक्रीशन को स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीशन और इलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सक्रीशन एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में आपकी किसी प्रोडक्ट का जाना। एलिमिनेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर एक्सक्रीशन प्लस मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आ जाता है आपके पास। ओके जी, अब ये डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास किडनीज है, यू हैव यूरिटर्स, यू हैव यूरिनरी ब्लैडर, देन यू हैव द यूरिथ्रा। सो सेम ये चीज अब यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। इस फिगर को दिखाने का मकसद क्या है, यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल स्फिंक्टर मसल एंड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। इंटरनल वॉर करें, इंटरनल दैट इज इनसाइड एंड एक्सटर्नल दैट इज आउटर साइड। इंटरनल कहाँ पे, एक्सटर्नल कहाँ पे है जी, इसको भी डिस्कस करते हैं जी। अब हम आ जाते हैं यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स की तरफ। स्फिंक्टर्स क्या है आपके पास, मसल्स हैं। कितने मसल्स हैं आपके इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर, ये वाले यू हैव द टू मसल्स, ठीक है। इनका काम क्या है कि आपके यूरिन के एग्जिट को कंट्रोल करना। सो कहाँ से, यूरिन डेफिनेटली आपके ब्लैडर में है, ब्लैडर से यूरिथ्रा तक जाना है, सो इसने एग्जिट करना है। सो इस सारे एग्जिट के प्रोसेस को आपके इन स्फिंक्टर मसल्स ने कंट्रोल करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इंटरनल स्फिंक्टर मसल पे, यानी कि हम लोग इसके ऊपर आ रहे, दिस एक इंटरनल, दिस इंटरनल स्फिंक्टर मसल के ऊपर हम आ गए। अगर आप गौर करें, एनाटॉमिकल पोजिशन हम अब इसके डिस्कस करने जा रहे हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज एक्चुअली, अब ये आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर मसल है, ऊपर आपके पास ब्लैडर है। सो आप एनाटॉमिकली कैसे इसको डिफाइन करेंगे, दीज आर द मसल्स which are located, where these are located, that are at the bladder's inferior end. ये आपके पास bladder है, bladder के inferior end पे जी आपके पास क्या पड़ा है, आपके पास internal sphincter muscle पड़ा है। So bladder's inferior end पे आपके पास ये पड़ा है, और urethra, this is urethra, urethra के proximal में means पहले पड़ा है आपके पास bladder के inferior पे, और urethra के proximal पे सुपीरियर पे आपके पास क्या है, यू हैव द इंटरनल स्फिंक्टर मसल। अब ये जो आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर मसल है मेल और फीमेल में, दिस मसल इज एक्चुअली द स्मूथ मसल, दिस इज अंडर द इनवोलेंटरी कंट्रोल। इनवोलेंटरी यानी कि आपके अपने कंट्रोल में नहीं है ये, सो आप अपनी मर्जी से इसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। अब जी हम आ जाते हैं एक्सटर्नल मसल पे। सो दिस इज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, दैट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। ओके, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल दैट इज एट द आउटर साइड। ओके, इंटरनल वाज इन द इनसाइड ऑफ द ब्लैडर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल अब कहां पर है जी, दैट इज लोकेटेड एट द ब्लैडर्स डिस्टल। देखे, ब्लैडर से दूर है, ओके, इंफीरियर एंड पे है, कहां पर, यहां पर फीमेल्स में। This is your external sphincter muscle, okay? अब males में देखें, इस external sphincter muscle के ऊपर आपको prostate gland नजर आ रहे हैं, so इसको अब आप कैसे define करेंगे? That is inferior to the prostate gland, okay? So it is distilled to the internal urethral sphincter. या आपके पास internal sphincter muscle है, इससे दूर डिस्टल पे आपके पास क्या है, द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल आपके पास पड़ा है। अब ये जो आपके पास दूसरा, ये जो सेकेंडरी आपके पास स्फिंक्टर है, ये आपके पास स्केलेटल मसल है, ये आपके वोलेंटरी कंट्रोल में है, यू कैन कंट्रोल दिस। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज जस्ट द जनरल डिस्कशन ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम।